हम लोग आज को इसको प्रारंभ करते हैं। क्या आप सभी के पास माला आ गई है? आ गए प्रभु जी, रेडी। ठीक, तो माला शुरू करने से पहले हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु के कौन हैं कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका प्रणाम मंत्र है, उसको हम चर्चा करेंगे अपनी क्लास में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं। और उनसे भी पहले, चैतन्य महाप्रभु से पहले, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, जो जगत गुरु शिला प्रभुपाद, उनको हम प्रणाम करके माला प्रणाम करते हैं, जिनके अपने गुरु हैं, जो दीक्षित हैं, जो 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 गुरु महाराज जिन जो 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 दीक्षित हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने गुरु महाराज जी के प्रणाम मंत्र से माला प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते हैं, माला जो है, ये माला में 108 मनके होते हैं। 108 मनकों में सबसे ऊपर सुमेरु मन का होता है, जो कि जिसमें हम चैतन्य महाप्रभु और गुरु महाराज जी के को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अपने गुरु को हम प्रणाम करते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नमो स्वामिनी नाम नमस्ते प्रभुपाद देव नाम संकीर्तन प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। इस उंगली को टच नहीं करना है माला से, क्योंकि ये जो उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर, ये दोष उंगली होती है। इसमें हम दूसरों का दोष कई बार आंकते हैं कि तुम पापी हो, तुम करप्ट हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इस तरह से इस उंगली को जब इंडिकेट करते हैं, तो इंडेक्स फिंगर जो होती है, इसको हम माला से छूते नहीं। माला को छूने के लिए आपका अंगूठा और मध्यमा उंगली जो है, इस मध्यमा उंगली से और अंगूठे से माला को छुआ जाता है। एक इस पहली उंगली से माला को नहीं छुआ जाता। इस उंगली को अलग रख के आप मध्यमा उंगली और अंगूठे से प्रारंभ करिए। जिनके पास माला थैली है, माला थैली में प्रोविजन होता है कि वहां पे एक छेद बना हुआ है जहां से ये इंडेक्स फिंगर बाहर निकलती है। इस तरह से बाहर निकल जाती है, जो पहली उंगली होती है, और जिससे कि वो छू ही ना पाए माला। कोई किसी का प्रश्न हो तो बीच में मुझे रोक दीजिएगा, पूछ लीजिएगा प्रश्न, नहीं तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमें मध्यमा उंगली और अंगूठे से माला के सुमेल, और मेरे पीछे पीछे आप एक बार बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर। दिवा साधि गौर भक्त वृंदा, दिवा साधि गौर गौर भक्त वृंदा। एक बार बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर। साधि गौर भक्त वृंदा, गौर भक्त वृंदा, गौर भक्त वृंदा। अब एक एक मोती जो है, ये जो एक मोती है, अगर आपके पास माला है तो ठीक है, माला पे आप एक मोती, इसमें 108 मोती हैं, हर एक मोती पे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। ऐसे हम 108 बार मंत्र को बोलना है। 108 बार बोलेंगे तो हमारी एक माला हो जाएगी। जिनके पास माला नहीं है, वो अपनी उंगली पर हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे एक एक बार। ऐसे 108 बार आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, हिसाब लगा के। जब 108 बार एक माला हो जाएगी तो हमारी एक माला उसमें हो। तो अब हम एक एक मोती पर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना प्रारंभ करेंगे। आप अपनी स्पीड से बोल सकते हैं या मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, जैसा भी आपका इच्छा हो, लेकिन करना सभी को है। ये मेरी सबसे विनम्र विनती है, क्योंकि भगवान का शुद्ध नाम है और आपके जीवन में ये अगर पहली बार पदार्पण हो रहा है, तो ये भगवान को आप पूरे दिल से वेलकम करिए। कोई भगवान में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हम इसमें प्रारंभ करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करना। इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम अपनी कथा हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो सभी की माला हो गई है या अभी कुछ लोगों की अभी चल रही होगी, कृपया मुझे बता दीजिएगा जब आप सभी की माला हो जाए। जनक प्रभु जी हो गए प्रभु जी मेरे तो। धन्यवाद। और भी भक्त लोग जो माला कर रहे हैं वो अनम्यूट करके बता सकते हैं, जब आप सबकी माला हो जाए तो हम फिर कथा को आरंभ करेंगे। आगे हाँ जी प्रभु जी हो गई है। हाँ प्रभु जी हो गई है। धन्यवाद। तो नॉर्मली देखा होगा आपने कि 5 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा उसमें लगते हैं एक माला जप करने में। इस माला जप में हमने तीन शब्द आए हैं इस मंत्र में, हरे कृष्ण और राम, और 16 शब्दों का ये मंत्र है। तो 16 शब्दों के मंत्र को हमने 108 बार दोहराया है। एक मंत्र में 16 बार हमने हरे कृष्ण और राम बोला है। तो ये सभी 16 × 108 जितना भी फिगर बनता है उतनी बार हमने आज हरि नाम ले लिया।
तो ऐसी एक माला, इसे एक माला करना कहते हैं, 5-7 मिनट एक माला लेने लगता है। नॉर्मली जो शास्त्रों में बताया गया है कि हमें 16 माला जप करने का प्रयास करना चाहिए, दिन भर में 16 माला जप अगर हम करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, जितनी बार हमने सांस ली है ऊपर नीचे दिन भर में, तो हर सांस पे भगवान के नाम लेने के बराबर हो जाएगा अगर हम 16 माला जप करते हैं। 16 माला जप करने में 2 घंटे से तक का समय लगता है, करीबन 2 घंटा अगर आप एक जगह बैठ के जो आप खाली समय हो उसमें आप 16 माला जप कर सकते हैं। अगर 16 माला नहीं हो पाती है क्योंकि समय का अभाव है, बिजी है, कुछ काम काज है या कुछ और, तो 5 मिनट से प्रयास करिए, 5 मिनट समय जरूर दीजिए रोज भगवान को, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। एक महीना 5 मिनट जप किया आपने, जैसे एक माला जप करी, एक महीना, फिर अगले महीना 2 माला कर दी, फिर 3 माला कर दिया, ऐसे धीरे धीरे प्रयास करके आगे बढ़ाइए, प्रयास करिए 16 तक पहुंचने का। नहीं पहुंच पाते हैं कोई बात नहीं, उसमें कोई किसी को कुछ ना लेना है ना देना है, भगवान का नाम जप है, जो शास्त्र की वाणी है, शास्त्र में बताया है, उसको अगर हम अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो भगवान के बताए हुए नियमों पर चलने के बराबर है। भगवान के, भगवान ने जैसा हमें करने को बोला हम वैसा करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। माला कब भी ले सकते हैं ना हम, जब ड्राई करते हैं, जब कुछ भी घर में काम करते हैं, खाना पकाते हैं, तब भी कर सकते हैं ना? मतलब इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं, इस मंत्र के साथ कोई नियम नहीं है, लेकिन इस मंत्र के अगर आप कुछ और काम करते हुए करेंगे तो हो सकता है ध्यान भटक जाए, लेकिन जब तक आप कोई बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते आप माला जप कर सकते हैं, उठते बैठते कहीं भी, उठते बैठते चलते फिरते कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं। ऑफिस जाते हुए, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, पीछे बैठे हैं, ड्राइव अगर नहीं कर रहे हैं तो आप माला जप कर सकते हैं। इसके साथ कोई, इस मंत्र के साथ कोई नियम नहीं है, किसी प्रकार का नियम नहीं है, लेकिन जितना आप सिंसियरिटी से अच्छे से करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट यह होगा कि मन भगवान की श्रद्धा जागृत होगी, श्रद्धा जागृत होगी तो श्रद्धा के बाद क्या होता है, और प्रवचन और साधु संग और भक्तों का संग करने की इच्छा होगी। संग ज्यादा ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति अर्थात मन से क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, काम वासना ये दूर भागने लगेंगे, वरना और कोई तरीका नहीं इनको, इनको मन से निकालने का, यही एक तरीका है इनको मन से निकालने का। जब ये सब मन अनर्थ निवृत्ति निकल जाएगी, मन से अनर्थ निकल जाएगी, तब क्या होगा, तब निष्ठा, तब भगवान के प्रति और निष्ठा जागृत होगी, रुचि आएगी, रुचि के बाद भगवान के प्रति भाव जागृत होगा, भाव जागृत होने के बाद भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, और प्रेम जागृत होगा तब हम उस एहसास, तब हम भगवान को एहसास कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं, कुछ भी भगवान को ऑफर करेंगे भगवान को स्वीकार करते हैं, या जैसे आपस, हम सभी लोग आपस में परिवार से इंटरेक्शन करते हैं, उस प्रकार भगवान से भी इंटरेक्शन संभव है। तो ये इस प्रोसेस को, ये कोई ऑथोरिटिज्म नहीं है कि किसी ने बोल दिया अभी जाओ तुम माला जप करो तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, क्या प्रोसेस है इसका? तो शास्त्र बताता है कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी इज ए साइंस, एक एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यही स्टेप है, आज हमने स्टेप 1 किया, आज हमने माला जप करी, तो माला जप से हमारे प्रति, हम सभी के अंदर थोड़ी बहुत श्रद्धा है लेकिन वो कोमल श्रद्धा कहलाती है। कोमल श्रद्धा अर्थात जब हम संग में आते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, सब कुछ करें और सात्विक जीवन बिताएं, सत्वगुण में रह के जीवन बिताएं, लेकिन जब किसी दूसरे संग में चले जाते हैं या कथा से दूर हो जाते हैं या कुछ समय तक कथा अटेंड नहीं करते तो हमारी श्रद्धा वहां डामाडोल हो जाती है, डगमगाने लगती है, कई बार हम उसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, अरे हर रोज तो जाते ही हैं, क्या करेंगे, हर बार भगवत गीता क्लास में जाके क्या रखा है, पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, क्या होगा उसमें, ऐसा मन में आता है। तो उसका ये इसे कोमल श्रद्धा बोलते हैं। कोमल श्रद्धा मतलब मन में श्रद्धा है लेकिन कोमल है, कभी भी डगमगाई जा सकती है। एक होती है निष्ठा, निष्ठा अर्थात अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा अर्थात जिस प्रकार आपने कभी एक शिप को देखा होगा, एक समुद्री जहाज जो होता है, समुद्री जहाज को जब किनारे पे खड़ा किया जाता है तो उसे एंकर किया जाता है, उसे बांधा जाता है किसी चीज से किनारे से, उसे कहते हैं एंकर, एंकरिंग।
जब तक उस एंकर से जुड़ा हुआ है समुद्र के अंदर ही, समुद्र में उछाल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तट पे आ रहा है, लेकिन वो उस समुद्र के तट को छोड़ नहीं सकता, वहीं पे बंधा खड़ा रहेगा। उसे कहते हैं निष्ठा। कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, तो आपका भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास है वो डगमगा नहीं सकता। बिकॉज आप एंकर हो गए, उस एंकर मतलब कि जुड़ गए उसे, उसे उसे अटूट श्रद्धा बोलते हैं। कोमल श्रद्धा वाला की सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कोई शिप खड़ा हो किनारे पर लेकिन उसे एंकर ना किया गया हो, उसे समुद्र के तट से जोड़ा ना गया हो, तो क्या होगा, हल्की हल्की जो उछाले आ रही है समुद्र की लहरों में वो उसे बहा के ले जाएंगी अंदर तक, अपने आप चलाने वाला नहीं, वो अपने आप शिप बहता चला जाएगा, मझधार में भटक जाएगा और डूब जाएगा। तो कोमल श्रद्धा और अटूट श्रद्धा में, श्रद्धा और निष्ठा में यही अंतर होता है। अगर निष्ठा अगर जागृत करनी है तो हमें पूर्ण रूप से भगवान के इस नाम जप का प्रयास करना है, जप करने के लिए, क्योंकि यही हमारे मन के मलिनता को दूर कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है मन की मलिनता को दूर करने का। कोई जादू टोना नहीं है, कोई पैसा खिला के या किसी को पैसा दे के, किसी को कोई पूजा पाठ करा के, किसी पंडित मौलवी को दिखा के हम मन से बुराइयां नहीं निकाल सकते। अगर कोई वास्तव में अपने मन से बुराइयों को निकालना चाहता है तो उसे हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो कथा हम आगे प्रारंभ करते हैं। ये हमारा पहला आज चीज जो हमने आज के सब जोड़ी। दूसरी चीज जो हमने जोड़ी वो मैं आपको कथा के अंत में बताऊंगा, कथा के अंत में हमने क्या नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, तो वो हम कथा के अंत में अगर समय रहा तो उसमें प्रवेश सुनेंगे। तो आज जैसे कि हम लोग भगवद गीता के चार प्रथम अध्याय के चार खंडों को हम स्टडी करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें तीन खंड हम पढ़ चुके हैं, कैसे युद्ध की भूमिका में भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडव आपस में इकट्ठा होके उन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि इकट्ठा हो गए हैं, वो युद्ध की भूमिका में हमने समझा। सर्वमंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझा कि जहाँ भगवान कृष्ण है वहां मंगल ही मंगल है। भक्तवत्सल भगवान के बारे में हमने तीसरे खंड में समझा कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ, भगवान के पार्षद भी उनकी शिक्षा करते हैं, भगवान ने एक ड्राइवर की उपाधि चुनी अपने भक्त के लिए, और भी भगवान ने भक्तों के लिए निकृष्ट कार्य करे। जीवन के कष्ट जिस खंड में 28 से लेके 46वां श्लोक था, उसमें 28 से लेके 35वें श्लोक तक हम पिछले संडे पढ़ चुके थे। 36 से लेके 46 श्लोक, जो 10 श्लोक बचे हैं हमारे आज हम उनको पढ़ेंगे। उसमें जीवन के कष्टों का अनुभव है। यहाँ पर अर्जुन जो है, अर्जुन की स्थिति जो है वो डामाडोल हो गई है। वो जब अपने सगे संबंधियों को देखा युद्ध लड़ने आए हुए हैं तो वो हतोत्साहित हो गया और उसके शरीर अंग प्रत्यंग कांपने लगे, अंग फड़कने लगे। तो हम सीधा 36वें श्लोक में आज हम चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हाई लेवल इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको बोली, श्लोक की किस प्रकार से अर्जुन को तनाव हो गया, उसके अंग हाथ पैर कांपने लगे, मुंह उसका सूखने लगा जब उसने देखा अपने परिवार को लड़ते हुए, पूरे शरीर में उसके सिहरना होने लगी, एकदम कांपने लगा शरीर, रोंगटे खड़े हो गए उसके। गांडीव जो था अर्जुन का धनुष वो उसके हाथ से फिसलने लगा, त्वचा में जलन होने लगी, पैर से खड़ा नहीं हो पा रहा था ठीक से, और चूंकि चक्कर आने लगे उसे। तो ये सारे लक्षण तनाव के होते हैं। जब कभी हम सभी लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं तो स्ट्रेस जब इंसान को हावी हो जाता है तब वो उसके इनमें से कुछ जो यहाँ लिखी गई है चीजें वो उसके उसको प्रभावित करने लगती है शरीर को, परेशान जब इंसान हो जाता है। और यही अर्जुन 11वें अध्याय तक आते आते इसने फिर से अपना गांडीव धनुष उठा लिया लड़ने के लिए। तो हमने ये भी चर्चा करी थी, ऐसा उसने क्या सुन लिया, 10 अध्याय में उसने ऐसा क्या किया कि वो अपने तनाव से लड़ पाया। तो भगवत गीता हमें यही सिखाती है किस प्रकार अपने तनाव से लड़ा जाए, कैसे अपने तनाव को कम किया जाए, अपने जीवन में हमारे जो उतार चढ़ाव है, जो डिस्ट्रेस है, जो तनाव है, जो परेशानियां हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए, जुड़ा जाए, वो हमें भगवत सीखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के कष्ट हमने पढ़े थे, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप, जिसमें कि हमने और उसके बाद 7-4 प्रकार के दुख और भी हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। इन दुखों से जब हम तभी छूट सकते हैं जब हम
भगवान की शरण में आएंगे और भगवत गीता में जो रूल्स लिखे हैं, नियम लिखे हैं, नियमों को अपनाएंगे। और युद्ध ना लड़ने की इच्छा जो उसकी उसकी हो गई थी, वो हमने श्लोक वाइज यहाँ पर थोड़ा बताने का प्रयास किया है कि उसको क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था अर्जुन, क्योंकि युद्ध अर्जुन जो थे वो साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। किसी भी साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति में दो गुण पाए जाते हैं, तितिक्षवा करुणिका। तितिक्षवा अर्थात सहनशील, टॉलरेंट होता है। जो 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 साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो अपने ऊपर सारी परेशानियां सह लेगा, लेकिन मुंह से उफ तक नहीं करेगा, बोलेगा तक नहीं किसी को कि उसके उसके साथ चल क्या रहा है, उसे टॉलरेंट कहते हैं। बड़े से बड़ी परेशानी अपने ऊपर झेल जाएगा लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देगा कि मुझे परेशानी हो रही है। और दूसरा गुण आता है करुणिका, इतना सब अपने ऊपर झेलने के बाद भी दूसरों के प्रति करुणा रखता है, करुणा भाव होता है, दूसरों के लिए हमेशा माफी की कल्पना करता है, कामना करता है। जिस प्रकार जीसस क्राइस्ट के जीवन से हमें देखने को मिलता है, कैसे जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था, तो निरंतर भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे, ओ फादर फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये हम सभी थोड़ा बहुत अपने जीवन में जानते हैं, अनुभव करते हैं और पढ़ा भी हमने जीसस क्राइस्ट के जीवन से। तो अलग अलग प्रांत जो जो भक्त हुए हैं भगवान के, या जो पार्षद हुए हैं, या जो मैसेंजर आए हैं भगवान के, उन्होंने अपने जीवन से हमें यही सिखाया है कि जो साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो दूसरों के प्रति हमेशा करुणा रखता है। करुणा में आके हर वो प्रयास करता है जिससे दूसरों का कल्याण हो जाए, किसी तरह से दूसरे का कल्याण हो जाए। उसी प्रकार अर्जुन थे, अर्जुन जो थे वो दयावश होके कि मैं मेरे कारण युद्ध हो रहा है, एक जमीन के टुकड़े के लिए युद्ध हो रहा है, इन इस युद्ध में कितने लोग बेकसूर सैनिक हैं जो जिनका कोई लेना देना नहीं, वो मारे जाएंगे, उनका परिवार जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, मैं क्यों युद्ध लड़ूं फिर। तो दयावश उसने अर्जुन ने युद्ध ना लड़ने का प्रयास किया था। फिर उसके मन में भोग नहीं कर, उसको मन में ये था कि अगर मैं युद्ध जीत भी जाता हूं तो युद्ध जीतने के बाद भी जिन लोगों से मैं युद्ध लड़ रहा हूँ और जो जो लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, जिनके मरणोपरांत मैं युद्ध में जीत जाऊंगा, जब वही लोग नहीं जीवित होंगे तो मैं किसके लिए किसको दिखाऊंगा मैं राजा बन के, जब कोई होगा ही नहीं देखने, जब मेरे पितामह नहीं होंगे, भीष्म पितामह नहीं होंगे, जब मेरे गुरु नहीं होंगे, जब मेरे भाई नहीं होंगे, मेरे रिश्तेदार नहीं होंगे, तो ये सब जो मुझे संसार का राज्य जो भी मिल जाएगा, वो मिलने के बाद क्या फायदा उसका फिर। तो ये उसके मन में गुण थे जो 35वें श्लोक में अंकित हुए। 36वें श्लोक में उसने किया पाप कर्म की क्रियाओं का भय। पाप कर्म जिस प्रकार से मन में जो भी हम किसी को मार रहे हैं किसी को, तो उसका पाप कर्म जरूर लगेगा। किसी भी व्यक्ति को हम मार रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया मिलनी जरूर स्वाभाविक है। तो ये भैया उसके मन में भय था अर्जुन के। और पारिवारिक परंपराओं के विनाश का भय। हर किसी के घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, या जो बड़ी उम्र के व्यक्ति होते हैं वो, या जो जो पुरुष वर्ग होता है वो परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब किस प्रकार जो जीवन में जो उनके परिवार में परंपराएं चलती आई हैं, उन परंपराओं का निर्वाह होना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी। हर पीढ़ी को अपनी परंपरा को पालन करने का प्रयास करना चाहिए, अपने कल्चर को स्टैब्लिश रखने का, या अपने कल्चर को सजो के रखने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो भारत में रहे, चाहे विदेश में रहे। जो व्यक्ति अपने कल्चर से जुड़ा है, जो व्यक्ति अपने परंपरा से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति वाकई में सफल व्यक्ति है, क्योंकि उसने अपनी जड़ नहीं खोई। जो व्यक्ति अपनी परंपराओं को भूल जाता है, अपने कल्चर को भूल जाता है, वो अपनी जड़ को ही खोखला बना देता है, इसलिए वो मुश्किल परिस्थितियों में टिक नहीं पाता। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारी जो कल्चर है, हमारा जो भी कल्चर हमें अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से जो हमें सीखने को मिला, अच्छी शिक्षाएं मिली, उन शिक्षाओं को हमें सजो के रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के हीरे मोती हैं। उन्हीं हीरे मोतियों को हम, वही हमारे काम आते हैं मुश्किल के समय। तो अर्जुन को अब ये भय था कि जब ये सारे बड़े बुजुर्ग जो ये युद्ध लड़ने आ गए हैं, और जो ये पुरुष वर्ग यहाँ लड़ने आ गया है, जब ये सब मारे जाएंगे तो इन परिवारों की परंपराओं का क्या होगा, कौन सिखाएगा फिर इन परिवार आगे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलाना है, किस प्रकार से जीवन यापन करना है, किस प्रकार से
क्या सबके समाज में क्या कल्चर था, क्या ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन को कैसे फॉलो होगा आगे, तो ये भी अर्जुन के मन में भय था। इस भय तो एक चार प्रकार की के कारण मन में संशय होने के कारण, दयावश, एक तो दया के कारण वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, फिर उसमें मन में डर था कि मैं भोग करके क्या करूंगा, जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा तो मैं किसके ऊपर भोग करूंगा। फिर तीसरा पाप कर्म की प्रतिक्रिया का भय था उसके अंदर की, जो मैं मार रहा हूँ लोगों की, जीव हत्या करूंगा, उसकी प्रतिक्रिया मुझे सहनी पड़ेगी। और चौथा पारंपरिक परंपराओं के नाश होने का डर जो था उसके मन में। ये चारों कारण थे उसके शरीर के कंपायमान होने के, गांडीव रखने के, और जो उसके भयग्रस्त स्थिति हो रही थी उस स्थिति में जाने के लिए। तो हम सीधा यहाँ से भगवद गीता की तरफ चलते हैं, वहां पे हम देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन जो है इस परिस्थिति में आए। तो आज हम 32 से लेके 35 श्लोक तक हमने पढ़ लिया था, आज 36वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं। क्या कोई पढ़ना चाहेगा भगवत गीता की वाणी? प्रभु जी आपका वो सिर्फ कवर पे जा रहा है जी। माता जी थैंक यू। माता जी मैं थोड़ा सा, मैं ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा चीज कई बार मैं ध्यान रहता नहीं है, तो मैं शेयर करता हूँ जी। अभी आ रहा है छत्तीसवां श्लोक, कोई पढ़ना चाहेगा? मैं कल 36 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 6 प्रकार के आतिताइयों के बारे में वर्णन किया था पिछली बार, जो कि 6 प्रकार के आतिताई हैं होते हैं। आज हम अगले श्लोक पर चलते हैं फिर यहाँ से। श्लोक पढ़ लूं मैं? 35 का 35 छत्तीसवां श्लोक प्रभु जी हम पढ़ चुके हैं, 37वां श्लोक पढ़ना है, ये पढ़ सकते हैं। 36 का 36 पढ़ चुके हैं प्रभु जी, और 36 पढ़ चुके हैं, 37 का 37 तो। अच्छा मैं पढ़ता हूँ। यत पयतेन, ये 38 है। ओ अच्छा दोनों है, ठीक है सॉरी, 37 और 38 ना, 37 38 दोनों एक साथ है। फॉन्ट थोड़ा बड़ा करेंगे क्या? थैंक यू, मैं पढ़ लूं ना? हाँ। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं च ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं। कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद बिर्जनार्दन, इसका टेक्स्ट है। आज तुम पढ़ दीजिए। हाँ वन सेकंड। जस्ट हियर इट, मेरा थोड़ा ये भूल रहा था। यदि हम ऐसे आता तीर का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का पुत्रों तथा अनेक आप 27 हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? तो इसका तात्पर्य है, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने का या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसके दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनिभिज्ञ हो,
किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है कि किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। धन्यवाद। तो यह हम देख सकते हैं किस प्रकार से अर्जुन जो है वो जो पाप कर्मों में प्रवृत्त, उसको ये सब पाप कर्म लग रहा था, किसी को मारूंगा तो मार के मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा, और जिन लोगों को इसकी परवाह नहीं है वो ना परवाह करें, लेकिन मुझे तो परवाह है, मैं क्यों इस युद्ध में प्रवृत्त हूँ। तो ये प्रश्न प्रश्नोत्तर फॉर्म में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि वो जानता है विपक्षी दल जो है वो अधर्म की तरफ है, और अधर्म के साथ रहने वाला व्यक्ति को ना पाप की चिंता होती है ना पुण्य की चिंता होती है, उसे उसे मतलब ही नहीं। वो लोग तो ये बोलते हैं क्या पाप क्या पुण्य, किसने देखा है क्या होता है। इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो कि ना पाप को समझते हैं ना पुण्य को, जो मन में आता है सिर्फ वही करते हैं, तो उन लोगों के लिए किसी प्रकार का भी जो जो कृत्य है वो निंदनीय नहीं होता। वो जो मन वो अपने मन के हाथों पूर्ण रूपेण कंट्रोल्ड होते हैं, नियंत्रण में होते हैं, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। और कलयुग में खास तौर पे ऐसे लोगों का प्रावधान बढ़ रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग इसी चीज को कुछ लोग अच्छा समझते हैं कि जो जितना अच्छा फोरफ्रंट आगे जो मन में निर्भीक तरीके से आगे बढ़ेगा वही व्यक्ति अच्छा समझा जाएगा। लेकिन जब तक धरातल हमारा मजबूत नहीं है, तब तक हमें पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है, जो भी हम कृत्य कर रहे हैं इन कृत्यों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। और उसी फल के डर से अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण से बोल रहा है कि जो परिवार के विनष्ट करने वाले अपराध देख सकते हैं, जो कि अपराध जो अपराध हो रहे हैं और जो जो कि पूरे पूरे परिवार को विनष्ट कर सकते हैं, ऐसे अपराध की तरफ मैं क्यों उन्मुख हूं, मैं क्यों युद्ध करूं। 39वां श्लोक तो मैं पढ़ लूं प्रभु जी। माता जी पढ़िए। कुलक्षे प्रणन्यस्ते कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्टम कृष्ण कृष्णम अधर्मो बिवते उत्तः। टेक्स्ट। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। परपट वनाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए व्योबुद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इस व्यवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्मीय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार व्यवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पारिवारिक परंपराओं का नाश होने का भय अर्जुन के मन में था। अगर ये सभी व्यवृद्ध व्यक्ति इस युद्ध में मारे जाएंगे तो कौन फिर इनके कुल को उचित शिक्षा प्रदान करेगा, कैसे आगे आने वाली पीढ़ी इनके इनके कुल में सही क्या है गलत क्या है का ज्ञान कर पाएगी। क्योंकि ये और ये इससे ये भी जानकारी मिलती है कि जो परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, किसी परिवार मुखिया हैं, उनका परम कर्तव्य है कि अपने परिवार में अपने संस्कारों को सजो के रखें, अपने आने वाली पीढ़ी को अपने बच्चों को सही योग सही शिक्षा प्रदान करें। जो बच्चे हैं जो कि हम सभी के परिवार में बच्चे हैं उनको उनको पता होना चाहिए वास्तव में हमारा कल्चर क्या है, क्या हमारे किस प्रकार की सद्गुण
सद्गुण भरा जीवन किस प्रकार जिया जाता है, कि अगर हम वो संस्कार हम ही नहीं देंगे तो कल को आगे चल के उनको कौन सिखाएगा वो सब बातें। स्कूल कॉलेजों में ये सब बातें नहीं सिखाई जा रही है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। संस्कारों की बातें हमें ही बीड़ा उठा के सिखानी पड़ेगी। और यही कारण है, अगर ये भगवद गीता हमारे पाठ्यक्रम का पाठ रही होती या पाठ्यक्रम का मार्ग पर रही होती तो हम उम्मीद कर सकते थे कि हमें विद्यालय से या शिक्षा पद्धति से हमें सब मिल जाता कि क्या हमारे संस्कार रहे हैं, कौन हमारे पूर्वज थे, कैसा उन्होंने जीवन जिया। तो ये जीवन में सभी वरिष्ठ सदस्यों का परिवार में उनका कर्तव्य बनता है कि अपनी पीढ़ी को समझाएं, योगदान उठाएं और बीड़ा उठाएं कि हमें आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो सही मार्ग पे उनको भेजने का प्रयास अवश्य करना है। श्लोक नंबर 40। कोई नए लोग जो पढ़ना चाहें, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कोई भी आप संस्कृत कैसा भी पढ़िए उसका कोई टेस्ट नहीं होगा कि अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती है कि नहीं। बस आपको पढ़ने का मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी को खाली मुझे ही पढ़ने का हक नहीं होना चाहिए। जो शब्द भगवान ने कहे वो शब्द हम सभी को बोलने का पूर्ण अधिकार है। ओके प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टा सुवाषणेय जायते वर्ण शंकरः। टेक्स्ट एक मिनट। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। परपट, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी प्रत्नोमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्याभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके स्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्याभिचार को पुरुष मिलेगा जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ दो तीन चीजें जरूरी आई हैं इसमें। हमें जैसे अर्जुन के मन में जो भय था पहले वहां से हम प्रारंभ करते हैं। उसके मन में था कि किस प्रकार जो उसके परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जब वही जीवित नहीं रहेंगे तो कौन परिवार को बांध के रखेगा, कौन सही शिक्षा प्रदान करेगा आगे। और यहाँ पर जो चाणक्य पंडित की जो वाणी है किस प्रकार स्त्रियों को उन्होंने विशेष उल्लेख किया है, तो यहाँ हर प्रकार की स्त्रियां के लिए उन्होंने नहीं बोला, इन जनरल उन्होंने जैसे बात कही है। और पुरुष भी कई बार उस प्रकार स्वभाव के होते हैं तो दोनों का ही समावेश है। अगर पुरुष को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे तो पुरुष खराब हो जाएगा, स्त्रियों को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे तो स्त्रियां खराब हो जाएंगी, अर्थात उनके विचार खराब हो जाएंगे। और ये जो नींव होती है अच्छे विचारों की, ये नींव बचपन से ही डाली जाती है। अगर बचपन में ही नींव अच्छी नहीं पड़ी तो पुरुष और स्त्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही नींव अच्छी है तो उस अच्छी नींव वाली संतान जिस किसी घर में होती है वो पूरे परिवार को को, को शुद्ध करने की ताकत रखती है और संभाल रखने की ताकत रखती है, चाहे फिर परिवार में किसी प्रकार के व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने परिवार को बांध के रखा। मीराबाई थी, भगवान की प्रगाढ़ भक्त मीराबाई,
इतनी प्रगाढ़ भक्त भगवान की थी, शुरू से ही बचपन में उनके संस्कार इतने अच्छे थे, पिता ने उनको भगवान कृष्ण के संबंध में ज्ञान कराया, तो आगे चल के भगवान की इतनी शुद्ध भक्त बनी। परिवार में कितने कष्ट आए उनके जीवन में, लेकिन उन कष्टों ने उनको हिलाया तक नहीं, क्योंकि निष्ठा उनकी स्ट्रांग थी भगवान के प्रति, और अपने साथ साथ परिवार को भी भक्ति में, उनके अपने पति जो थे उनके उनको भक्ति की तरफ प्रेरित किया उन्होंने। उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्त्रियों का वर्णन है शास्त्रों में जिन्होंने अपने परिवार को सजो के रखा और अच्छा जीवन यापन कराया। शास्त्रों में हमने हिस्ट्री में बहुत सारी माताओं के नाम सुने हैं। तो यहाँ पर जो जोर दिया गया है जिस बात पे, वो जोर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि अगर ज्ञान ही नहीं होगा कि करना सही क्या और गलत क्या है, तो दूषितता बहुत जल्दी जीवन में आ जाती है। उस दूषितता से बचने के लिए परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का होना बहुत आवश्यक है, जो सही और गलत का निर्णय बता सके। श्लोक नंबर 41, जिन्होंने आज तक ना पढ़ा हो श्लोक, वो प्रयास कर सकते हैं, अपना आज से कोटा अपना खोल सकते हैं भगवद गीता के प्रति। कोई है जो वॉलंटियर करना चाहेंगे? कोई नहीं पढ़ने वाला, तो मैं पढ़ लूंगा। चित्रंजन जी आप प्रयास करेंगे? मेरे ख्याल से आप सभी आज म्यूट में हैं, तो मैं पढ़ लूं प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। आप पढ़े रहे हैं, मैं इसलिए छोटे छोटे कोई और भी पढ़ना चाहे, योगदान देना चाहे। हाँ पढ़िए, चलिए पढ़ देता हूँ। ठीक है प्रभु, करो नरकाये वो कुल दानम कुलस्य च पतन्ति पितरो एषां लुप्त पिण्डोदक क्रियाः अवांछित संतानों की वृद्धि से नीचे ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने के से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार से दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, पायन नहीं करते, उन्हें से अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूतान तत्पुनान पितृणाम किंकरो नाय मुनिच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहतम कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं संपूर्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर किस प्रकार श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमारे ऊपर इतने ऋण है इसका कई लोग परवाह करते ही नहीं है कि कितने देखें, लेकिन वास्तव में अगर शास्त्रों की वाणी बताई जाए तो देव सबसे पहले मातृ ऋण, पितृ ऋण,
देव ऋण, गुरु ऋण, भूमि ऋण, इन सभी ऋणों की जब तक हम अभी ऋण किस प्रकार से है, माता पिता से हमें जो शिक्षा मिली वो ऋण हम पे चढ़ गया, गुरु से हमें जो शिक्षा मिली तो गुरु का ऋण हम पे चढ़ गया है, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के प्रति हमारा ऋण है, सूर्य देव की रोशनी को हम रोज ले रहे हैं, लेकिन कौन जो है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सूर्य को रिटर्न में कुछ देता है, हम उनके सूर्य की धूप में अपने कितनी सारी चीजें प्रयोग करते हैं, कि कई माताएं तो ऐसी हैं जो कि माता बहन है जो कि जब आलू आलू के चिप्स बनाने हो तो आलू की चिप्स को आलू की फांकों काट के सूर्य में सुखा देते हैं कि सूर्य की धूप से सूख जाएंगे, कपड़े हम सुखा देते हैं सूर्य में, सूर्य धूप सूख जाएंगे, तो सूर्य के प्रति हमारा ऋण चढ़ा हुआ है, सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को हम लोग भुगतान कर रहे हैं, तो देवी देवताओं के प्रति जो ऋण है हमारे प्रति, उन ऋणों से हम कैसे मुक्त होंगे, जब तक इन ऋणों से हम मुक्त नहीं होंगे, शास्त्र कहता है हमें बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं अगर इन ऋणों से हम मुक्ति चाहते हैं तो जनार्दन कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं, हमने एक प्रेजेंटेशन किया था पहले, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है अभी भी, जिसमें हमने देवी देवताओं और कृष्ण में अंतर क्या है, समस्त देवी देवताओं में और कृष्ण में क्या अंतर है, उसकी वहां पे स्पष्टीकरण किया था, किस प्रकार देवी देवता भी जो हैं, झमस प्रकार के 33.5 करोड़ देवी देवता हैं, इनको देवी देवता कहते हैं, भगवान नहीं कहते, भगवान सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण, इसका भी हमने वहां पे प्रूफ किया था अपनी स्लाइड में, कैसे भगवान कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण जो है वो कृष्ण ही है और कोई नहीं है, और इसकी पुष्टि समस्त ऋषि मुनियों ने करी है, जिसमें कि श्रील वेद व्यास जी के जो पिता थे श्रीपाद पराशर मुनि, उन्होंने भगवान शब्द की संज्ञा परिभाषा प्रदान करी थी और भगवान कृष्ण को ही सर्वोपरि माना था। तो कृष्ण की शरण में जाना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार पेड़ में, पेड़ की जड़ में जब हम पानी देते हैं तो पेड़ की पत्ती पत्ती और टहनी टहनी तक पानी पहुंच जाता है, अलग अलग से आपको हर पत्ती हर टहनी में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार देवी देवता जो हैं, जितने देवी देवता हैं वो समस्त देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे आपसे अगर आप कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे। कृष्ण जो है जड़ के समान है, अगर जड़ को, अगर हम जड़ की शरण में रहते हैं, कृष्ण की शरण में रहते हैं और उनके बताए हुए जीवन के अनुसार भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाते हैं और चलते हैं तो कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण की प्रसन्नता का अर्थ है सभी देवी देवताओं का प्रसन्न होना, नहीं अन्यथा सभी देवी देवताओं को अलग अलग तरीके से प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार से पेड़ की पत्ती पत्ती और टहनी टहनी पे पानी देना बड़ा मुश्किल है, जड़ में पानी दे दीजिए अपने आप पानी पहुंच जाएगा सब जगह, उसी प्रकार कृष्ण को प्रसन्न कर लीजिए, हर कोई देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न वो प्रसन्नता में हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, बस भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाएं, रूल्स रेगुलेशंस को अपने जीवन में अपनाएं, किस प्रकार से हमें जीवन जीना है उस जीवन उस विचारधारा को अपना, अगर हम ऐसा जीवन नहीं अपनाते हैं तो क्या यहाँ पे वर्णन किया गया है, जैसे अर्जुन तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं जो कि अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है जब घर के वयोवृद्ध व्यक्ति अपने ही या तो उपस्थित नहीं होते बताने के लिए या फिर उनको ज्ञान नहीं होता है कि वास्तव में सही क्या है गलत क्या है, बच्चों को क्या सिखाएं, बच्चों को सही बात सिखाने के लिए खुद भी ज्ञान होना आवश्यक है कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है, कैसे जीवन जीना है, जब हमें स्वयं ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे अपने संतान को समझा सकते हैं, तो यहाँ पर अर्जुन यही डर का उल्लेख कर रहे हैं कि अगर बच्चों को संतानों को परिवार के मूल्यों का और संस्कारों का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं और अवांछित संतानें जो हैं वो पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन को उत्पन्न करती हैं। कोई परवाह ही नहीं करेगा कि कौन पिंडदान करना है, किसकी किसका श्राद्ध करना है, किसका श्राद्ध नहीं करना, किसी बच्चे को परवाह नहीं होगी। आगे आगे ये तो हमारे सामने कई लोग हम देखते हैं, किसी को परवाह ही नहीं है कि कोई अपने पिता पूर्वजों का श्राद्ध भी करना होता है, किसी को ज्ञान ही नहीं है कौन पिंडदान कैसा पिंड जिसको हमने देखा ही नहीं, उनके लिए हम क्या, और यहाँ तक संतानें पंडितों पर भी विश्वास नहीं करती, किस प्रकार जो वो प्रोसेस करा रहे हैं उसको भी वो हंसी मजाक में उड़ा देते हैं।
तो ये इसलिए क्योंकि उस प्रोसेस का उसकी वैल्यू पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं मिला ऐसा, उनको ज्ञान ही नहीं मिला कि इसका क्या महत्व है, पिंडदान का क्या महत्व है, कुल के पुरखे जो है पितर लोग जो हैं वो उनका उनको किस प्रकार से जल तर्पण और पिंडदान किया जाता है क्या, जिससे वो सुखी रह सके। अगर पितर खुश होंगे, वो जो आशीर्वाद देते हैं उन आशीर्वादों से हमारा जीवन में सफलता निश्चित हो जाती है, लेकिन इसके लिए विश्वास होना बहुत आवश्यक है। आज के आधुनिकरण में वो विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और अगर हमारे घर परिवार में संस्कार देने वाले वृद्ध मनुष्य नहीं होंगे तो किसी प्रकार से भी हमारे घर की संतानें जो हैं उनको सही शिक्षा नहीं मिल सकती। श्लोक नंबर 42, मैं पढ़ देता हूँ। दोषे रहते कुलज्ञानाम वर्ण संकरा सरकार कहे उत्साहन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। जगदुरुशीला प्रभुपाद की जय। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चार वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग उनके इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। जब नेताओं को ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि बचपन से उनको शिक्षा ही नहीं मिली कि कैसे एक राजा का क्या कर्तव्य है। जैसे प्राचीन काल में हम देखते थे राजाओं का राज ऋषि कहलाते थे पहले के राजा, क्योंकि वो ऋषि भी होते थे, उनको पता था किस प्रकार से उन्हें राजकाज चलाना है, कैसे जीवन यापन करना है। जैसे भगवान राम के जीवन से हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने मर्यादित होकर जीवन जिया। ऐसे अनेक अनेक राज ऋषि आए हैं भारत भूमि पर, जिन्होंने अपने जीवन को एकदम एग्जाम्पल के तौर पर लोगों के सामने रख दिया है कैसे अपना जीवन जिया जाए। लेकिन आज के समय में नेताओं या जो भी राजा हैं, राज ऋषि हैं, उनको अगर ज्ञान है भक्ति का या ज्ञान है अध्यात्म का या अपने संस्कारों का, तो ही वो अपना जीवन तो ही वो आगे लोगों को सही शिक्षा दे सकते हैं। अन्यथा अगर जीवन अगर उनका अंधकार में है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते हैं, तो उनको अनुगमन करने वाले व्यक्ति जो हैं वो भी उन्हीं की तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। आगे आगे हम श्लोक में पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से समाज का जो उत्तरदायी व्यक्ति होता है, जो कि नेता होता है, जिस प्रकार का वह आचरण करता है उसको फॉलो करने वाले लोग वैसा ही आचरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घर में पिता का आचरण होता है उसी प्रकार उसकी संतान का आचरण हो जाता है। माता पिता का आचरण जिस प्रकार का भी होगा, संतान का आचरण बिल्कुल वैसा ही हो जाए। तो इस जो भी पिता बना है, जो भी गुरु बना है, जो भी नेता बना है, इसका परम कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्वभाव को, अपने जो जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करे। क्योंकि उसके अगर उसका जीवन उसका खुद का ही शास्त्रों के अनुसार नहीं चला, तो वो अपने संतान को, अपने शिष्य को या अपने अनुयायियों को वो सही शिक्षा नहीं दे सकता कि वास्तव में शिक्षा कैसे जीवन चलना है, कैसे समाज की बागडोर को संभालना है। और जब ऐसे व्यक्तियों का वर्चस्व हो जाता है, बढ़ जाते हैं समाज में व्यक्ति, तो समाज का पतन होना शुरू हो जाता है, समाज में दुराचार होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे दुराचारों की घटनाएं हम रोज न्यूज में खबरों में सुनते हैं, किस प्रकार की क्या घटना घटी है, कैसी घटना है, और अलग अलग तरह के दुराचार। हम लोग सोचते तो हैं कि वास्तव में ये सब नहीं घटना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है ये। जैसे आज के समय में कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए आप, उसमें किसी माता बहन के प्रति कोई अपराध कोई करता है, या किसी बच्चे को किडनैप कर लेता है, या फिर किसी और जो भी कुरीतियां हो रही है समाज में, उन कुरीतियों का प्रमुख कारण यही है कि हमें जीवन के महत्व और अपने संस्कार जो नहीं मिले किन्हीं कारणों से, उसके कारण अवांछित संतान ने घरों में, अवांछित संतानों ने
पूरे समाज का ही कायाकल्प कर दिया, और वही आज हमें अपने समाज में देखने को मिल रहा है, जो यहाँ भगवद गीता में 5,000 साल पहले अर्जुन यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ये अवांछित संतानें जिनको संस्कार नहीं मिले या जो कि सही शिक्षा नहीं दे पाई या ग्रहण कर पाई, उनके उन्होंने समाज में जो कुरीतियां उत्पन्न करी, उन कुरीतियों का प्रभाव आज सभी लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो ये ज्ञान जो है बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए, और इसी ज्ञान का अनुमोदन करने के लिए आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में वर्णाश्रम धर्म के बारे में, जो है बार बार वर्णन आ रहा है। आज समय का थोड़ा अभाव है तो मैं वर्णाश्रम धर्म के बारे में ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन वर्णाश्रम धर्म की पद्धति लोग पहले फॉलो करते थे। 4 वर्ण और 4 आश्रम में बटा हुआ समाज होता था पहले। 4 वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम होते थे ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों का क्या योगदान रहा है, ये हमारी आगे आने वाली कक्षा में हम समझेंगे। तो आज को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि अभी इसके हमें 3 श्लोक बचे हैं भगवद गीता के इस चैप्टर के, लेकिन समय थोड़ा सा आज ऊपर हो गया है। अगर आप कहें तो ये 3 श्लोक हम फिनिश कर लें, या फिर हम अगली कक्षा में फिनिश करें, जैसा आप कहेंगे फिर उस हिसाब से चलते हैं। अगली कक्षा में करते हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, और सभी का यही मत है जी? प्रभु जी जी। ठीक है, तो आज फिर हम कथा को यही विराम देते हैं। तीसरी जो 3 श्लोक के साथ हमारी जो रह गया है इसमें, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी नई चीज हम आज प्रयास करने जा रहे थे, आज हमने थोड़ा सा वो हम फिर अगली कक्षा में ही इसको लेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो अभी तक जो आज हमने चर्चा करी हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक नंबर 40 पे चलते हैं कि एक बारी तो प्रभु जी मतलब पढ़ने में बड़ा ही ठीक है, बट मेरे को लगता है बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें सारा कुछ स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, परंतु अगर हम आज के कलयुग में देखें तो पुरुष हमेशा ही ऐसे मौके की तलाश में रहता है कि कैसे मैं कुछ भोग सकूं, तो पुरुष भी कम नहीं है मतलब, तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब ऐसा ही स्त्रियों के बारे में क्यों लिखा है, और सेम मतलब यही चीज ऐसे ही रामायण में भी एक दोहा आता है, इसमें लिखा होता है कि ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो हमेशा ही शास्त्रों में मतलब स्त्रियों को ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है जबकि पुरुष के बारे में ऐसा नहीं है। तो अगर जैसे मैं अपने ऊपर लूं, मैं एक जैसे जिसको मेरे को ज्ञान नहीं है, तो वो ये ही समझेगा कि सब कुछ स्त्रियों के लिए ही है, पुरुषों के लिए कुछ है ही नहीं, तो मतलब मैं सब कुछ सही हूं। तो थोड़ा आप इसे थोड़ा और बताएंगे थोड़ा डिटेल में। प्रश्न आपका बहुत सही है, अच्छा प्रश्न है, और लेकिन इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा स्त्रियों का हमारे समाज में, जो हम प्राचीन हिस्ट्री अपनी देखें तो स्त्रियों की क्या वैल्यू थी, क्या था, वो हम उससे शुरू करते हैं। प्रभु जी, हम उस समाज में ये रचना करी गई जिस समय स्त्रियों में सीता माता को सर्वोपरि भगवान ने रखा। क्या रामायण में जो भी वर्णन आया है, जिस प्रकार से सीता माता का उन्होंने, अगर किस प्रकार से भगवान, जब तक सीता माता भगवान के साथ थी तब तक भगवान ने सभी निर्णय उनको पूछ के किए। प्राचीन समय में स्वयंवर होता था, स्त्रियों को पूरा मौका मिलता था कि वो अपने वर, तो जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला जो आपने बोला कि अगर स्त्रियों को इतनी निकृष्टतम रखा जाता था पहले, तो यहाँ तो उसका खंडन हो रहा है। फिर उनको हम क्यों स्वयंवर का वर्ण देते थे? बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें मानसिकता समझनी है कि स्त्रियां जो यहाँ पे शास्त्र वर्णन किया, और यहाँ श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं स्त्रियों बेसिकली क्यों किसके लिए यहाँ पे उद्देश्य हुआ है। वास्तव में स्त्रियां जो है, ये भी 84 लाख योनियों में से 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां हैं, मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, और इसमें किस प्रकार से जो पुरुष का योग, जैसे मैंने अपने इसमें श्लोक को समझा रहा था आपको, तो पुरुष का भी और स्त्री का भी दोनों के लिए बराबर, अगर संस्कार उनको नहीं मिले तो संस्कार उनको ना मिलने के कारण दोनों ही खराब होने की स्थिति में आ जाते हैं, करप्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं। और ऐसा हमें समाज में देखने को मिलता है, जिस प्रकार पुरुष ही खराब नहीं है, स्त्रियां लड़कियां भी खराब हो जाती हैं कई बार,
और समाज में समता, लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने के कारण शोषण स्त्रियों का ज्यादा होता है फिर बाद में। तो तौर पे अगर स्त्रियों को शिक्षा अच्छी मिली है घर गृहस्थी में, तो वो पूरे परिवार को पूरी समाज का कायाकल्प करने में की शक्ति रखती है। बहुत से स्त्रियों का एग्जाम्पल है, अगर हम मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में रानी लक्ष्मीबाई है, जब उनके वहां पे कोई राज पुरुष राजा रहे ही नहीं, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाली। 1857 की लड़ाई जो शुरू हुई रानी लक्ष्मीबाई से शुरू हुई, और उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया शायद ही कोई एग्जाम्पल सेट कर सकता हो ऐसा। बिल्कुल। तो ये दृष्टि जो है पुरुष श्रेष्ठ है, यहाँ पर इस श्लोक में वो वर्णन नहीं किया, और ना ही भागवत ना ही रामायण में उसका वर्णन किया गया था कि नारी सब ताड़न के अधिकारी। वास्तव में जो स्त्रियों का यहाँ वर्णन होता है जो कि निकृष्टतम या कि जो कि जिनको संस्कार युक्त जिनको नहीं मिला है, तो उनका जो पतन होना बहुत जल्दी स्वाभाविक है। और उनका पतन होता है अगर जो स्त्रियां हैं जो कि जो जिनको डर नहीं है, इसलिए स्त्रियों के लिए तीन चीजें शास्त्र बोलता है। स्त्रियों को हमेशा किसी न किसी के संरक्षण में रहना चाहिए, बचपन में उसे अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, जब बड़ी हो जाए विवाह के बाद पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और जब वृद्ध हो जाए तो पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। क्योंकि स्वभाव से निर्मल होने के कारण उनका पतन होना बहुत जल्दी स्वाभाविक है समाज के ढांचे के अनुसार। लेकिन शुरू से शिक्षा दीक्षा अच्छी दी है आपने अपने संतान को, स्त्री को, किसी बच्चे को, और वो शिक्षा इतनी प्रगाढ़ है कि उसकी निष्ठा प्रगाढ़ हो चुकी है, तो हर प्रकार की मुसीबत लड़ने के लिए एक स्त्री तैयार रहती है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अपनी क्लास देखते भी हमारी हिस्ट्री में भी रहे हैं, और अभी मॉडर्न समय में भी हम देखते हैं कई ऐसी स्त्रियां हैं जो कि देश की प्रधानमंत्री तक बनी है, कई ऐसी स्त्रियां हैं जो कि स्पेस तक चली गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको नींव अच्छी थी, उनको नींव अच्छी दी गई थी, उनका उनको जो शुरू में जो उनका जो पोषण हुआ, जो शुरू में उनको जो परवरिश दी गई, वो परवरिश ने उनको ये बताया कि तुम्हें किस प्रकार जड़ को मजबूत रखना है, अपने संस्कार को मजबूत रखना है। क्योंकि अगर जड़ी खोखली होगी और अगर संस्कार अगर हम उस अच्छे संस्कार नहीं मिले परिवार के सदस्यों द्वारा माता पिता द्वारा, तो निश्चित रूप से स्त्रियों का पतन होगा होता है, और फिर वो पतन समाज के दूसरे पतन का कारण बनता है। तो उस चीज की यहाँ पे भर्त्सना शास्त्र करता है। तो खास तौर पे यहाँ पर भी जो वर्णन हुआ है स्त्रियां जो कि यहाँ पर अगर स्त्रियां ही दूषित हो जाती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अर्जुन के वर्णन करें, हे कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, यानी कि कोई बताने वाला सही क्या गलत क्या बताने वाला बचता नहीं है, तो कुल की स्त्रियां सबसे पहले दूषित हो जाती हैं। क्योंकि जब बच्चे को जब स्त्रियां छोटी बच्ची बालिका थी, जब उनको कुछ बताएगा ही नहीं सही क्या गलत क्या, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती, और जब स्त्रियां ही पतन हो गई तो फिर उनको अवांछित संतानें उत्पन्न होने का है। तो यही अवांछित संतानें जो अर्जुन इंडिकेट कर रहे हैं समाज में दुराचार व्यभिचार और इन सब गलत कारणों को टेररिज्म, ये सब चीजें क्यों फैल रही है, संस्कार। बिल्कुल। तो ये पॉइंट शास्त्रों का रहा है शुरू से, कि शुरू से बचपन से ही 5 वर्ष की आयु से प्रहलाद महाराज ने कहा कौमारम जीवन प्राज्ञा, मतलब कि 5 वर्ष की आयु से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो बच्चों को सही संस्कार देने प्रारंभ कर देने चाहिए। वर्ष की आयु कितना लेट हम लोग हो गए देखिए, मेरी जो जो ज्ञान मुझे मिला मैं जब 20 साल का था तब मुझे मिलना शुरू हुआ कॉलेज जब हमने पढ़ना शुरू किया था हमारे, और अब दूसरी बात करें तो और लेट हो चुके हैं। अपनी हम बात करें तो हम हमारे जीवन में ये ज्ञान आया किस समय आया प्रहलाद महाराज के अनुसार, तो हम बहुत ही लेट हो चुके हैं। तो हमें अगर संतानें हैं अगर आप बच्चे हैं तो या जो जिसके जहां भी संतान को शुरू से ही प्रयास करिए कि उन्हें धर्म संस्कार इनकी बातें शुरू बताते रहिए, क्योंकि आपके बाद या हमारे बाद हम में से हमेशा तो उनके साथ कोई रहने वाला नहीं है, आज से 100 साल बाद कोई नहीं होगा संसार में, लेकिन हमारी संतानें होंगी वो फेस कर रही होंगी इस दुनिया को। जब वो इस दुनिया को फेस कर रही होंगी अगर उनके आज के दिए हुए संस्कार नहीं होंगे तो वो क्या फेस कर पाएंगे आगे? आगे तो समाज भरा पड़ा है बुराइयों से कुरीतियों से, अगर हमने शुरू से ही उनको संस्कार देके अंदर से स्ट्रांग नहीं किया तो हम कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते प्रभु जी। स्कूल कॉलेजों में शिक्षा नहीं दी जा रही है। बिल्कुल प्रभु जी।
शिक्षा हमें ही देनी है माता पिताओं के, आगे बढ़ के इसको इसको चिंता करके इसकी, हमें अपने बच्चों को सही मार्ग पर डालना है, सही देने हैं और शास्त्रों में चलाना है, और स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करना है प्रभु। में लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, और समस्त देवी देवता देवियां भी हैं जिनकी पूजा करते हैं, क्या वो निकृष्ट हैं? उस रूप में आप स्त्रियों को देखिए, उस रूप में आप स्त्री को करिए कि वास्तव में स्त्री देवी के रूप में है, उनकी हम पूजा कर रहे हैं और उनको हमने किस प्रकार से, सारा खेल ही संस्कारों का है प्रभु जी। संस्कार जैसे हम देंगे वैसा बच्चों के अंदर बीज पड़ेगा, और अगर संस्कार खराब चले गए तो स्त्रियों का पतन पहले हो जाएगा, पुरुष का बाद में। ये शास्त्र वहां वर्णन कर रहा है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण प्रभु। इसी डिस्कशन में आगे 41 और 42 श्लोक में भी शंकर और वर्ण शंकर जैसे शब्दों का है, या तो उसके बारे में बताएंगे, शंकर और ये वर्ण शंकर क्या बोले। वर्ण तो जैसे हम बोलते हैं कि वर्ण आश्रम में जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, और वर्ण का शंकर हो गया तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के मिक्स से जो बच्चे हुए वो हुआ, या क्या हुआ, क्या हो रहा है, मतलब इसमें जाति परंपरा को रखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इसमें भगवान। देखिए वर्ण शंकरों का अर्थ है प्रभु जी अवांछित संतान, जिनको पता नहीं कि वैसे किस प्रकार से उनका जन्म हुआ है। जैसे सबसे पहले इससे पहले वाले श्लोक में जब स्त्रियों का पतन हुआ क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले, तो व्यभिचार उत्पन्न हुआ समाज में, व्यभिचार उत्पन्न हुआ तो संतानें उत्पन्न हुई। अब उन संतानों को का वर्ण ही नहीं, वर्ण अर्थात क्या, किस प्रकार, कौन से समुदाय में उनका जन्म हुआ, कैसे, जब उनको यही ज्ञान नहीं होगा तो किस प्रकार से उनको शिक्षा मिलेगी। हर वर्ण का, जैसे मतलब वर्णाश्रम धर्म में हर वर्ण की अपनी शिक्षा पद्धति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार प्रकार के वर्ण हैं, तो इनमें से जब ये जब वर्ण जो है ये आपस में स्टेब्लिश ही नहीं रह पाएंगे, कोई भी किसी के साथ व्यभिचार कर रहा है या उससे संतानें उत्पन्न हो रही हैं, तो उन संतानों को शिक्षा दीक्षा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो सही रूप से नहीं चल पाती फिर जिस प्रकार से समाज में, क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति गलत भावना से हुई है। जो भावना की, भावना का होना बहुत, ये बहुत डीप टॉपिक है प्रभु जी, यहाँ पे थोड़ा समय का होकर मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका वर्णन आगे शास्त्रों में भी बहुत डीपली मिलेगा, लेकिन हमें बस ये समझने का प्रयास करना है कि वर्ण संकर जो है, वर्ण संकर अर्थात अवांछित संतान, अवांछित संतानों को की रोकथाम हम तभी कर सकते हैं जब संस्कार अच्छे पड़े हों किसी व्यक्ति के अंदर, और संस्कार का बीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आया हो, माता पिता ऐसे हों जो बच्चे को सही संस्कार दे सके, ताकि जब वो बच्चे माता पिता बने तो अपने बच्चों को संस्कार दे सके। अच्छा, जब माता पिता ऐसे, माता पिता हमारे, हमें संस्कार ही नहीं पता क्या संस्कार है, गर्भोदंशान जैसे हमें, हमें से कितने लोग अभी ऐसे जिनको समस्त प्रकार के संस्कारों का पता है जो कि समाज में होता है, गर्भोदान संस्कार से प्रारंभ होता है, संस्कार जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद और विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं, और मृत्यु तक ये संस्कार चलते हैं। इन संस्कारों का ज्ञान मिलना बहुत आवश्यक है, अगर ये ज्ञान हमें नहीं मिलेगा तो गर्भोदान संस्कार में जैसी बच्चा गर्भ में आया, अगर जिस प्रकार की माता की प्रवृत्ति होती है बच्चे की प्रवृत्ति वैसी बन जाती है। कई बार हमने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने भी किया होगा कि जब कोई माता बहन गर्भवती होती है तो उनको बोला जाता है आप रामायण का पाठ करिए, आप भगवत गीता सुनिए, आप इस प्रकार के थोड़े सच्चरित्रों के भाषण सुनिए। क्यों बोला जाता है? जिससे कि जैसी भावना माता की है वैसी भावना संतान में आ जाए, अन्यथा अगर वही समय माता जो कि गर्भवती है समय टीवी देख रही है या फिर कोई ऐसा बहुत ही खतरनाक सीरियल देख रही है जो कि ऐसा बहुत ही रोषपूर्ण हो, दूसरों को दुख कष्ट देने वाला हो, वैसी मन के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका निश्चित रूप से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है फिर।
तो यहाँ पर गर्भोदन दान संस्कार जो होता है, जो बच्चे का पहले संस्कार किया जाता है, उसमें ये निश्चित किया जाता है कि जो भी संतान इस घर में आएगी, जो आत्मा इस घर में आएगी, उसका जीवन धार्मिक होगा। और उसका जीवन धार्मिक होने, अगर वह धार्मिक बनेगी तो आगे चल के उसके आने वाली पीढ़ी भी धार्मिक बनेगी। ये सब चेन रिएक्शन है, प्रभु साथ साथ सब जुड़ी हुई है, कड़ी है एक दूसरे से। और शुरुआत होती है हमसे। अगर हमें सही शिक्षा मिल गई है तो अब हमारी बरसक ये ड्यूटी बन जाती है कि हम अपनी संतान को सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन दे सके। अगर हम सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन नहीं दे पाए तो संतान आगे चल के कोई भी गलत काम, जैसे किसी बच्चे को देखिए, हमारे जीवन में कई बार हमारे जीवन में एक्सपीरियंस होता है, किसी बच्चे को बोले कि भाई हमारा ये काम कर दो, कई बार बच्चे पलट के मना कर देते हैं। माता पिता दुखी होते हैं, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता, पढ़ने को कहते हैं तो पढ़ाई नहीं करता है, पलट के जवाब देते हैं। होते ना प्रभु जी ऐसे एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस होने का ऐसे कितने बच्चे ऐसे जो माता पिता ने कहा और बच्चों ने तुरंत उसको पूरा कर दिया और हंसकेल के उसका पालन किया। ये सब संस्कारों का खेल है प्रभु जी। तो वर्ण संकर जो आपका प्रश्न था, वर्ण संकर अर्थात अवांछित संतान है, जो कि स्त्रियों के स्थितित्व को का समाप्त होने पर जो उत्पन्न होती हैं, उनको उनका उनकी उनको यहाँ पर संज्ञा दी गई है वर्ण संकरों की। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यही डर अर्जुन के मन में था कि आज जब युद्ध लड़ने हम आए हैं तो सभी वरिष्ठ वर्ग जब मर जाएंगे तो कौन उस परिवार की स्त्रियों को, आगे आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा दे पाएगा। ये एक सभी प्रकार के भयों में से एक भय ये भी था अर्जुन के मन में, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। और कोई प्रश्न किन्हीं का? मुझे मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। अच्छा, हो सकता है कुछ जूम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, शायद मैं मिस कर गया हूँ मीटिंग। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अच्छी बात है, इसका मतलब डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। जी, मुझे आवाज भी आ रही, वीडियो भी दिख रहा है। तो पता नहीं मैसेज क्यों आ गया। चलिए, तो अब आज मेरा प्रयास था कि हम पहला चैप्टर खत्म कर दें, लेकिन 3 श्लोक फिर बच गए। तो आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप आए, और अगले इतवार को थोड़ा सा हमने हल्का सा क्विज रखा है कि जो पहला चैप्टर है, जो कि इसको हम कितना समझे हैं, कितना हम लोग ने इसको अपने जीवन में डाल पाए हैं, तो उसके लिए 10 क्वेश्चन मैंने तैयार करे हैं। ऐसे प्रयास करें, इसको हम आपस में डिस्कस करेंगे और एक बार फिर से फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ और फर्स्ट चैप्टर रिवीजन के बाद हम लोग फिर सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आगे भगवत गीता में। तो अगर किन्हीं का प्रश्न ना हो तो हम लोग आज कथा को ही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर आते हैं भगवत गीता सुनने के लिए। इससे मुझे भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है बोलने के लिए, और हम पढ़ पाते हैं, शपथ बता पाते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से कुछ बातें पता लगती हैं, किस प्रकार से हमें और अच्छे से आपको ये सामग्री पर बतानी चाहिए। भगवद गीता सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप जुड़े रहें, हमसे बने रहें हर रविवार, और इस प्रकार हम भगवद गीता के सफर में साथ साथ आगे बढ़ते चलेंगे और एक दिन भगवद गीता को हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।